हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में, और वो भी एकदम मंगर गांव से। अब आप पूछोगे कि भाई ये मंगर किधर है और तू मंगर में किधर पहुँच गया, तू तो पुणे में रहता है। तो भाई पहली बार ऐसे आउट ऑफ महाराष्ट्र ट्रैवल किया है, वो भी सोलो ट्रैवल किया, और मैं पहुँच चुका हूँ फरीदाबाद के पास में जो गाँव है मंगर, उसमें। तो मंगर एक एक्चुअली जहाँ पे अरावली माउंटेन रेंजेस है ना, तो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो इन्होंने फार्म बनाया है, तो वो है फार्म अरावलिया मंगर। तो अगर आप लॉन्ग वीकेंड आना चाहते हो, वो हो जाता है ना कि आप काम से बहुत परेशान हो जाते हो, तो चिल आउट करने के लिए आप कुछ नया एडवेंचर ट्राई करना चाहते हो, आपको वाइल्ड लाइफ देखनी है, बर्ड वॉचिंग करनी है, या फिर कैंपिंग वगैरह करना है, या फिर बोन फायर वगैरह, तो आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अरावली माउंटेन रेंज है ना, वो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से है एक, और करीबन एक 1.8 बिलियन, मतलब भाई कितने जीरो आते मेरे को वो भी नहीं पता, इतना पुराना माउंटेन रेंज है ये। आप मेरे जो पीछे ये जो सब देख सकते हो ना, ये सारे जो माउंटेंस है वो अरावली के माउंटेंस है। और इस जो फार्म, या फार्म नहीं बोल सकते, रिजॉर्ट, तो ये जो रिजॉर्ट है ना, तो रिजॉर्ट का पूरा मैं आपको एक वर्चुअल टूर देने वाला हूँ। और इस जो लोकेशन पे अगर आपको साउथ दिल्ली से आना है, तो आप 40 मिनट की ड्राइव करके आ सकते हो। उसके बाद अगर आपको फरीदाबाद से बाय रोड आना है, तो 20 मिनट की दूरी पे है, और जो गुड़गांव है उससे 40 मिनट की दूरी पे है। अभी मैं खुद अपने बताऊँ तो मैं भाई मुंबई से आया था और गुड़गांव रेलवे स्टेशन उतरा था। गुड़गांव से यहाँ पे आने में मेरे को करीबन इतने ही 40 मिनट लगे थे, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ऐसा सब नियरेस्ट पॉइंट है। तो साउथ दिल्ली भी वैसे उधर ये अपना IGI एयरपोर्ट आता है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। तो इस जो लोकेशन का एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गूगल मैप का पिन भी डाल दूंगा, तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। और बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये जो एक टेम्पररी एंट्रेंस है यहाँ से, बट जो मेन एंट्रेंस है उधर काम चालू है। तो वहाँ पे एक्चुअली बोर्ड है फार्म अरावलिया मंगर का, तो वो एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ और फिर इधर अंदर से चलते हैं। और अगर आपको जो अरावली का ट्रैक करना है, जो मैंने सुबह किया था, उसका अगर ब्लॉग शायद से सेपरेट डाल दिया होगा या इसी ब्लॉग में इंक्लूड किया होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो वो ट्रैक का रास्ता भी इधर से ही जाता है। तो जब मैं बोर्ड दिखाऊंगा तो बोर्ड के थोड़ा सा आगे वो दिखा दूंगा लोकेशन, तो चलते उधर। अरावलिया समर स्प्रिंट रोड, तो ये देखो ये स्प्रिंट रोड है, और ये आगे ही ट्रैक करने के लिए जो मैं सुबह गया था, और उसका व्लॉग डाल भी दिया होगा या आएगा, तो यहाँ से रास्ता है ट्रैक के लिए। यहाँ पे अरावली पहाड़ है, और एक ख़ास बात बताऊँगा इस पहाड़ की अंदर जाके, तो ये फ़िलहाल के लिए एंट्रेंस क्लोज है, तो जहाँ पर अभी मैं शूट कर रहा था वहाँ पर आपको दिखाता हूँ, और चलते उधर। तो ये रहा एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही एकदम ऐसा वो विलेज टाइप वाला फील आता है, ये जो वॉल पे पेंटिंग की गई है उससे। तो ये है एंट्रेंस, जो आप अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और उस साइड से आने का रास्ता है। तो ये रहा रिजॉर्ट का एंट्रेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हमें जो मेन एरिया है वो दिखता है, तो ये है मेन फार्म, जहाँ पे जैसे एंट्री मारी तो ये लगता है। और ये मतलब रात में ना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है ना, कल रात में आया था भाई मैं तो चौकी गया था, मतलब इतना पूरा रिजॉर्ट, मतलब यहाँ से एंट्रेंस से लेके पूरा उधर तक टॉप तक पूरा जगमगा जाता है लाइटिंग से, इतना बढ़िया व्यू आता है। और स्काई भी, अभी बारिश का सीज़न है तो उसकी वजह से स्काई भी इतना ज़्यादा मस्त लगता है ना, मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी डाल दूंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और रात का तो व्यू मैं अलग से ही दिखाऊंगा आपको कि कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पर कुर्सियाँ दी गई हुई है जहाँ पर आप फैमिलीज़ फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो। और ये यहाँ पे मतलब पता नहीं यार, बचपन में तो बहुत खेला है मैं यहाँ पे, आप कूद सकते हो। अभी मैं कूदने गया तो मेरे वजन से टूट जाएगा, पर मेरी तो काफ़ी इच्छा है। बट खैर, लास्ट टाइम मैं एक रिजॉर्ट में गया था तो उधर मेरे को चिल्लाया था, इस बार वो गलती नहीं करनी है। तो ऐसा कुछ है, और यहाँ पे टोटल 11 रूम्स है, मतलब ये जो आप पूरा देख सकते हो ना, ये एरिया पीछे यहाँ से लेके यहाँ का पूरा पीछे, तो ऐसे 11 रूम्स है, उसमें से मेरा जो रूम नंबर है वो है 107। और मैं आपको दिखाता हूँ ये अपना रूम, एक्चुअली मैं
अपना रूम दिखा सकता था, बट अभी वो मेस ही है तो मैं दूसरा रूम दिखाऊंगा। और ये देखो, ये पीछे वाला रूम है, तो काफ़ी बढ़िया रूम है। तो ये है मेरा रूम, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बेड है छोटा सा, और यहाँ पे दो कुर्सियाँ और टेबल है, वो भी लकड़ियाँ की बनी है, वो एकदम ऐसा वो यू नो वो एक विंटेज वाइब देता है यहाँ पर बैठने में। और वो भी आप देखो ना, मैं तो अभी सुबह जब ट्रैकिंग के लिए जा रहा था तो ऐसे दरवाजे खोलते खोलते ये मेरे को ऐसा अरावली का पहाड़ दिख गया। मतलब आप सोचो ना कि आप ऐसे ब्यूटीफुल व्यू के साथ सो के उठ रहे हो, तो क्या ही आप मतलब कितने नसीबवान हो। तो ये तो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, जो सैंपल रूम है अलग सा वो दिखाऊंगा, क्योंकि भाई अभी मेरा रूम पूरा मेसी हो चुका है। और जब मैं यहाँ पे आया था, कल आया था, तो एक तो ताकत नहीं बची थी, इसलिए मैं अपना रूम नहीं दिखा पाया, अलग से एक रूम दिखा तो आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि 11 रूम से, तो 11 रूम के अलावा यहाँ पे 5 टेंट्स है और 4 टेंट्स बन रहे हैं, तो मैं टेंट्स भी आपको दिखाऊंगा। मतलब टेंट्स का काम मतलब थोड़ा चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है, तो आप जब शायद से आओगे तो आपको वहाँ पे रहने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ पे रिसेप्शन के अंदर चलते, तो ये है भाई रिसेप्शन। यहाँ पे तो मस्त बैठने के लिए व्यवस्था है, घड़ी है, और ये रिसेप्शन है। ओ भाई ये कमाल का यार, ये तो ओ भाई ये ऐसे मतलब फ्लोट करते हैं हवा में, सही है ये, सही है ये। यहाँ पे हमारे गणपति जी और यहाँ पे रिसेप्शन। तो भाई ये एक रूम है 109, तो ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अंदर चलते, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे बैठने के लिए है जगह। तो ये देखो ये है रूम, तो चप्पल निकाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पंखे का बटन, स्विचेस है, लाइट के स्विचेस है ये। और बेड ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब मेरा भी जो बेड है ना वो इतना ज़्यादा मुलायम है ना, ऐसे आप बैठोगे तो आप उछल जाओगे, इतना कंफर्टेबल और इतनी अच्छी नींद आती है। ये देख सकते हो ये कर्टन है, और ये कर्टन भी काफ़ी बढ़िया, मतलब आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो ये आपको दिखाता हूँ नीचे खोल के, ये देखो सही है, ये नीचे कर देता हूँ वापस से। ये बेड है, बेड का तो मैंने बता दिया। यह आपको कॉफ़ी बनानी है तो यहाँ पे सब वो सैशे दिए गए हुए हैं, दो बॉटल मिलते हैं, दो कांच के कप, पानी पीने के लिए ग्लास, यहाँ पे दो नहाने के लिए टॉवल, ये नैपकिन बोल सकते हो, और ये नैपकिन भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ये एसी का रिमोट है, तो यहाँ पे आप एसी चला सकते हो। मेरे रूम में भी एसी, और काफ़ी ज़्यादा ठंडक देती है, मतलब एक तो फ़ैन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर से जो एसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो मस्त आपको नींद तो आती है। ये कबड़ रहा, ये मिरर छोटा सा, ये देख सकते हो कबड़, मतलब अगर आपको कुछ सामान रखना है इम्पोर्टेंट, कुछ कीमती सामान, कपड़े वगैरह रखने, तो आप इसमें रख सकते हो। और इसमें चाबी भी दी है, तो आप लॉक लगा के आराम से बाहर जा सकते हो। आपको ये बाथरूम दिखा देता हूँ, तो ये स्विच तो चालू है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, और ये देखो भाई ये मिरर ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको दिखाता हूँ, ये डिजिटल मिरर है। वाव, ऐसे लाइट्स चालू होते ब्लू, येलो और पर्पल, भाई ये मेरे को सबसे काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। पानी भी अच्छा आता है, पानी ऐसा आता है ऊपर से, ये हैंड वॉश है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है बॉडी वॉश, कंडीशनर, स्किन लोशन, उसके बाद ये छोटा सा सोप, ये है डेंटल किट, इसमें आपको ब्रश और टूथपेस्ट मिलता है। यहाँ पे एक बकेट, स्टूल मिलता है, यहाँ पे पानी देखते हैं, और शावर आपको चाहिए तो शावर भी आता है। मैं हमेशा शावर से नहाता हूँ, तो ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, और हमारे इंडियंस के लिए ये मेन जेट स्प्रे, तो ऐसा कुछ यहाँ का टूर रहा। ये मैं बंद कर देता हूँ, दरवाज़ा लगा देता हूँ। तो भैया ये झील के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? ये जो है सर, जब बारिश जब होती है तेज़ी से, तो हमारी झील
ओवरफ्लो हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। और झरने जब बहते हैं तो सीधा हमारा झरनों का जो जल है वो इसी रास्ते के थ्रू, इसी झील के थ्रू क्रॉस होता है। वो हमने जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग देखी उससे एग्जैक्ट पीछे से दिखता है ना झरना। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी बढ़िया लगता है। अगर मेरे को वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा और फोटो भी दिखा दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सुंदर लगता है और नेचुरल हमारा जो है ये झरना है, और यहाँ से जो भी पानी नीचे की ओर आता है वो हमारा झील से क्रॉस होते हुए और इधर से क्रॉस जाता है ये। और हमारे ये 5 जंगल टेंट है सर। तो अभी मतलब रेडी कौन सा है? ऑलमोस्ट रेडी सर, रेडी फर्स्ट नंबर वाला है वो। अच्छा, वैसे अभी फुल रेडी, फुली फर्निश्ड नहीं है, अभी अनरेडी है। देख सकते हो काम चल रहा है, आप जब आओगे तो शायद से ये बन चुका होगा। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये किससे बना है? ये टेंट है। हाँ, और कपड़ा का टेंट है ये। हाँ, और ये जो है अभी फर्निश्ड किया है, विदेशी के है ये। अभी एसी लगेगा यहाँ पर, ये खिड़की के, पहले खिड़की नहीं थी, अभी इसमें डोर है। अच्छा, टेंट में भी डोर है? टेंट में भी डोर है, सही है। और ये ईट से बनी हुई बाकायदा वॉशरूम है, इसमें अंदर जो है ये असली ईट है। हाँ जी, असली ईट है। ओहो, ऊपर से वो भी लाल लाल ईट है। हाँ, मतलब पेंट किया हुआ है। अच्छा, पेंट किया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और अंदर फुली फर्निश्ड है। ये बाथरूम क्या? जी जी जी, ये विद गीजर है। हाँ, ये वॉश बेसिन, ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, और कुछ ऐसा यहाँ पे शावर भी देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये एसी का ऑप्शन है, और ये हमारे 4 खिड़कियां हैं इसमें। इसमें पंखा भी लगेगा? बिल्कुल, ऑलरेडी कूलर। अच्छा, कूलर लगेगा, कूलर। सही, मतलब टेंट के अंदर एसी, मतलब थोड़ा वो मॉडर्न टेंट हो गया। जी जी, बढ़िया है। तो अभी हम सीधा जा रहे बनी लॉन, स्विमिंग पूल और रेस्ट रूम की ओर। ये देखो ये ऊपर तक जाता है रास्ता, वो ऊपर भी जाके दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ का एरिया कवर करते हैं। किधर जाने का? इधर, इधर इसे दिखा दो पहले। ये क्या है? ये बम्बू है, बम्बू बोलते हैं इसको, मैजेस्टिक लॉन। मैजेस्टिक लॉन क्यों रखा नाम इसका? इसको बम्बू है बैठने के लिए, इसमें कुछ गेम्स के वो क्रीड़ा स्थल के बनेंगे इसमें। गेम्स के जैसे झूले हैं, और हमारा फुटबॉल का वो है जो हाँ, नेट वगैरह लगाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये पूरा ऐसे क्या बोलते हैं, गेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह हो जाएगा, काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी रेस्टोरेंट दिखाते हैं। हाँ, ये रेस्टोरेंट। तो ये रहा रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट ऐसा लगता है कि एक जो छोटा सा जो मिट्टी से बना हुआ घर है ना, उसमें हम खाना खा रहे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये इन्होंने ब्यूटीफुल बना के रखा है। देख सकते हो भाई, एस्थेटिक एकदम लग रहा है, एकदम लाइटिंग, वो साइकिल का डिज़ाइन बनाया गया हुआ है। ये वॉश बेसिन। हाँ, सबसे पहले ये वॉश बेसिन है, ये है मिरर। अंदर चलते तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर भीड़ आती है तो मतलब काफ़ी एकोमोडेट करने के लिए जगह है। साउंड 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 भी है। अच्छा, साउंड भी है। हाँ, आप आपके मन पसंदीदा गाने बजवा सकते हो इनसे कह के। तो काफ़ी बड़ा स्पीकर है, मस्त है, और आप ऐसे देसी हरियाणवी गाने भी सुन सकते हो, क्योंकि अभी हरियाणा में आए तो हरियाणवी गाना सुनना तो बनता ही। बिल्कुल सर। ये बुफे सिस्टम है यहाँ पे, तो सुबह दोपहर का खाना और जो रात का खाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। ये देख सकते हो डिज़ाइन एकदम वो ऐसा, वो जो हरियाणवी का जो कल्चर है ना वो डिपिक्ट करता है यहाँ पे। यहाँ पे सब सामान रखा गया हुआ है, तो बस यही है छोटा सा टूर। ये सबसे ज़्यादा मेरे को इनका ये क्रिएटिव आइडिया लगा, ये रस्सी को इन्होंने यूज़ किया है, बल्ब यूज़ किया है, और देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा ये एस्थेटिक लगता है। क्या बोल रहे थे? साइकिल साइकिल। हाँ, वो साइकिल बनी हुई है। हाँ वही वही, लाइट की, मतलब जो क्या बोलते हैं, रीयूज़ किया है इन्होंने रोप वगैरह, बाकी साइकिल मेटल्स वगैरह, तो मस्त किया इन्होंने ये। अच्छा, ये स्टाफ रूम है? स्टाफ रूम है सारे। ओके। हाँ, और ये है एडवेंचर पार्क। हाँ, और ये पावर बैकअप है अपना 24 आवर्स। ये क्या? पावर बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो पावर बैकअप 24 आवर्स। ओके।
मतलब सब लाइट का कनेक्शन रहेगा, पंखा वगैरह सब चलेगा 24 आवर्स, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक पावर। ओके, टेक पावर। और आपके पास वाईफाई का भी कनेक्शन है ना? या तो मिल सकता है कि लोगों? या, या। अच्छा, और वो वाईफाई का कनेक्शन भी मतलब ऑल 24 आवर्स रहता है? 24/7 खाली अगर बारिश होती है तो थोड़ा दिक्कत आता है कभी कभी, थोड़ा बहुत, बाकी इतना इशू नहीं है। ओके, तो अभी ये आप देख सकते हो, ये पूरा एडवेंचर पार्क है यहाँ से लेके उस एंड तक। और इनकी जो खास बात है ना एडवेंचर पार्क की, यहाँ पे है इनका जो रॉक क्लाइंबिंग है, उसके बाद रेपेलिंग जिपलाइन है, उसके बाद जो जिपलाइन है ना वो 250 मीटर का लंबा है, उसके बाद जो यहाँ पे स्काई साइकिल है, स्काई साइकिल मतलब आप हवे पे लिटरली साइकिल चला सकते हो, वो भी कितना 100 मीटर का है, डिस्टेंस है। तो अभी भाई देख के बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा वो मेजरमेंट मेरे को पता नहीं था, इसीलिए देख के बोलना पड़ रहा है। तो हम ये ज़रूर ट्राई करने वाले हैं, हो सकेगा तो अभी ट्राई करेंगे। और अगर कुछ और आपको जानकारी दूँ इस जगह के बारे में, तो देखो ऐसे दिल्ली वगैरह एरिया में तो आपको पता ही है कि पोल्यूशन का कितना ज़्यादा दिक्कत है। आप अगर किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हो, जैसे कि अभी मैं पुणे से रहता हूँ, काफ़ी सारे लोग मुंबई से रहते हैं, या फिर अगर नॉर्थ में हो गया तो चंडीगढ़ हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, टीयर वन सिटीज़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। आप ऐसे वो पूरा हफ्ता मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत काम करते हो, तो कुछ थोड़ा आराम के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो पूरे अरावली माउंटेन रेंज है, इस पर ये बसा है बीच में। तो अगर आपको अरावली माउंटेन्स की एक आपको एक और ख़ास बात बता दूँ, तो ये जो स्टोन एज एरा है, आपको स्टोन एज एरा पता होगा, जहाँ पे जो हमारे जो पूर्वज थे वो गुफाओं में रहते थे, स्टोन्स का यूज़ करते थे, स्टोन वेपन्स का यूज़ करते थे, तो उसके जो अवशेष है वो इस एरिया में पाए गए हैं। उनके जो पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स, वो भी मंगर गांव में ही है, अगर वो हो सकेगा तो वो भी दिखाऊंगा इस व्लॉग में या आने वाले पार्ट में। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके भी अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये खास बात है इस जगह के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देख सकते हो, बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, उसके बाद बर्डिंग करनी है तो वो कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग, जयपुर में एक जगह है जालना करके, तो वहाँ पे लोग जंगल सफारी करने जाते हैं। तो जयपुर थोड़ा दूर पड़ता है दिल्ली वाले लोगों के लिए, तो अगर आपको इतना दूर नहीं जाना है तो ये जो मंगर का जो रिजॉर्ट है, यहाँ आप एक कंसिडर कर सकते हो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी आप जंगल सफारी कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो रिजॉर्ट है, यहाँ से पास में एक मंगर बनी करके जगह है, तो मंगर बनी मतलब कैसा है कि वहाँ पे पार्टीशन के बाद, मतलब पार्टीशन जब 1947 में हुआ था, तो कीकर और बबुल के पौधे यहाँ पे लगाए गए थे। तो पार्टीशन के बाद वो इतने ज़्यादा फैल गए इस एरिया में कि वो वायरस की तरह ऐसे मतलब वो जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज रहते हैं ना, जल्दी फैल जाते हैं, वैसे ही बबुल और कीकर के प्लांट्स फैल गए इस एरिया में। तो वो रोकने के लिए यहाँ पे लोकल प्लांट्स का जो वृक्षारोपण है वो यहाँ पे किया गया था। तो जो मंगर बनी है वो मतलब काफ़ी सारे जो मंगर के जो लोकल प्लांट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, और करीब 150 से भी ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो रिजॉर्ट है वो 11 एकड़ के ज़मीन पे बसा हुआ है, तो ऑल ओकेजन मतलब आपको पार्टी करनी है, आपको चिल करना है, आपको योगा करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको थोड़ा आइसोलेट होना है सिटी से, आपको नेचर के पास टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, कपल हो तो कपल के साथ आप आ सकते हो, एज अ कपल आ सकते हो, उसके बाद आपकी फ्रेंड्स से बड़ा फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ यहाँ उनके साथ आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये सबके लिए जगह है और सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है ये रिजॉर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है स्विमिंग पूल और यहाँ पे रेन डांस है। हाँ, तो ये है वो जो है ट्यूबवेल, झरने टाइप। अच्छा, ट्यूब, यहाँ से ट्यूबवेल पे हमारा झरना गिरता है नीचे। हाँ, झरने का आनंद लेंगे। तो ये देख सकते हो, ज़्यादा गहरा भी नहीं है, मतलब पानी अगर और ज़्यादा भर देंगे तो इतना गहरा नहीं होगा, तो काफ़ी मस्त है ये। और यहाँ पे रेन डांस, ये रेन डांस मज़ा ले सकते हो। ये रेन डांस है, ये पूरे दिन चालू रहता है या नहीं है गेस्टों के अनुसार? नहीं, मतलब जब भी गेस्ट आएंगे, जब भी गेस्ट आएंगे 24 आवर्स, जब भी गेस्ट आएंगे। अच्छा, ये आपको रेडी मिलेगा, चालू मिलेगा। और यहाँ पे फिर साउंड सिस्टम है क्या? बिल्कुल, साउंड सिस्टम है। ओके, हमने जो रेस्टोरेंट में देखा, हाँ हाँ, वही साउंड यहाँ सेट कर देते हैं और उसके बाद रैन डांस शुरू के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। या वो पीछे क्या है? ये हमारे वॉशरूम है, ये लेडीज है, एजेंट्स है। अच्छा, दोनों का अलग अलग है? ये अलग अलग है। ओके, तो मतलब किसी को प्रॉब्लम तो होगी? नो 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 प्रॉब्लम। ओके,
तो अभी हम जा रहे हैं किचन के अंदर, यहाँ पे सब खाना बनता है। हमारे सेफ स्टाफ पूरा, हमारा किचन स्टाफ इधर काम कर रहा है बड़े मजे से। ये आपका नाम? नीरज। अच्छा, अभिषेक भैया किधर गए? अभिषेक भाई ये खड़े हैं। अरे हाँ, ये भी यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, मतलब इन्होंने सब दोपहर का खाना तो इन्होंने ही ला के दिया मेरे को। और यहाँ पे मतलब कैसा खाना बनता है? कोई अगर यहाँ पे लोग आते तो वो उनके हिसाब से बनता है, उनके चॉइस के हिसाब से? उसी के चॉइस के हिसाब से। अच्छा, और पूछा जाता है? हाँ, पूछा जाता है। अच्छा, चॉइस के हिसाब से जो खाना पसंद करेंगे। हाँ, यहाँ पे सब वैसे। अभी देखिए हमारे शेफ टोस्ट क्या बना रहे हैं सर? ब्रेड पकौड़ा की तैयारी चल रही है। ऑलरेडी ब्रेड पकौड़ा बने हुए हैं। चाट मसाला किधर है सर? और यहाँ पे सब फ्रेश बनता है क्या? या फ्रेश बनता है सब? सारा फ्रेश बनेगा, हमारे यहाँ पे सारा फ्रेश बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी है, तो भाई अगर आपको कोई भी चाहिए तो मंगवा सकते हो। जी, बस ये दिखाना। तो भाई यहाँ पे अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन, तो वो भी आपको मिलेगा। नॉन वेज हो तो नॉन वेज भी पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे। तो सबके लिए ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये देखो लाइट्स लग चुकी है, और एक्चुअली अभी शाम होगा तो और भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि अभी थोड़ा डे लाइट है। तो ये देखो यहाँ पे आप आराम से चिल कर सकते हो। यहाँ पे भी सब ऐसे वो जो यू नो विंटेज टेबल, वुड के टेबल है, कुर्सियाँ है, इस पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बैठने में काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे भी जैसे रेस्टोरेंट में किया था, पार्टी शेड है हमारा, ये पार्टी शेड, पार्टी शेड, आराम बैठ के पार्टी शार्टी कर सकते हैं। और मतलब अगर आप वो पूल में खेल के थक गए होगे तो यहाँ पे बैठ सकते हो, और डीजे भी लगा सकते हो। हाँ, खाना खा सकते हो। बिल्कुल, यहाँ बूफर लगा देते हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल है, और अभी थोड़ा रेडी नहीं हुआ है, आज सितंबर में रेडी हो जाएगा। हाँ, अक्टूबर से आप भरपूर आनंद दे सकते हैं इसका। इसकी गहराई थोड़ी बड़ी है। हाँ, पहले छोटा था, अब ये थोड़ा इसका रिपेयरिंग जो चल रही है वो बड़ा साइज हुआ है, और गेस्ट हमारे आकर के पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। हम इधर से ऊपर आए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा ओपन लॉन है। यहाँ पे आपको जो करना है, मतलब जो आपको हंगामा मचाना है, आप यहाँ पे कर सकते हो भाई। यहाँ पे रात को हम आए थे, यहाँ पे हमने चाय पी थी रात को शाम के वक्त में, तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। एक बार लाइटिंग लग जाएगी ना तो मैं आपको ये व्यू वापस से दिखाऊँगा। और आप वो क्या कह रहे थे बटरफ्लाई के बारे में? हाँ, उधर हमारा बटरफ्लाई है गार्डन, ट्री है, वो गेट है। ये बटरफ्लाई का क्या है बोले? ये सेट है बैठने के लिए। हाँ, यहाँ पे कल मैंने चाय पी थी। हाँ, वैसे इनकी चाय काफ़ी बढ़िया है, मैं तो दो बार पिया कल। ये नीचे स्विमिंग पूल है, यहाँ से जिपलाइन का ये वो है। ये देखो हम यहाँ पे शूट कर रहे थे पूरा सारा, और ये पूरा यहाँ से रिजॉर्ट का व्यू देखता है भाई, कितना ज़्यादा बढ़िया है। ये तो कुछ नहीं भाई, मतलब ये लाइटिंग चालू कर देंगे ना तो भाई इतना खूबसूरत लग जाएगा ना, आपको मतलब दिल आ जाएगा इस पर, जैसे हमारा मेरा कल हुआ था। जैसे आप देख सकते हो अभी मैं बैठा हूँ बटरफ्लाई हैबिटेट में, और बेसिकली कैसे होता है कि अभी तो फिलहाल हम शाम के अभी 6 ऑलमोस्ट बज गए, तो इस टाइम पे शूट कर रहे हैं, तो अभी तो बटरफ्लाईज नहीं है, पर जब सनराइज़ होता है और सनराइज़ के थोड़े से पहले टाइम बाद, एक घंटा पहला, दो घंटा पहला, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बटरफ्लाईज देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने होस्ट क्रिएट करके रखा है, होस्ट प्लांट। तो अभी बेसिकली होस्ट प्लांट क्या रहता है, तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि दो प्रकार के प्लांट्स रहते हैं बटरफ्लाईज के लिए, तितलियों के लिए। तो एक तो होता है होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट। तो पहले नेक्टर प्लांट की बात करता हूँ। नेक्टर प्लांट मतलब जिसपे तितलियाँ जिंदा रहती है, जो शहद है, शहद नहीं बोल सकते, जो नेक्टर रहता है प्लांट का, तो शहद तो वो हनी बीज पीती है, जो तितलियाँ है वो तो जो फूलों का जो सारा रस है वो चूस के लेती है तितलियाँ, तो वो तो हो गया नेक्टर, जिसपे जिंदा रहती है, तो उसको बोलते हैं नेक्टर प्लांट्स। पर यहाँ पे जो इन्होंने कल्टिवेट किया है वो है होस्ट प्लांट। तो होस्ट मतलब जहाँ पे जिंदा रहती है, जिसपे जिंदा रहती है, जिस प्लांट्स के लिए बटरफ्लाईज के लिए जिंदा रहना काफ़ी ज़रूरी है, तो वो है होस्ट प्लांट। तो यहाँ पे होस्ट प्लांट्स इन्होंने कल्टीवेट किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे बटरफ्लाईज आपको देखने को मिलते हैं। आप रेस्ट करेंगे,
बैठेंगे फिर इधर आ जाएंगे गार्डन में। और ये जो ये वाइट वाइट कलर के स्टोन से वो किसके? बजरी है, बजरी। ये किसके लिए? हाई स्टोन, वाइट स्टोन पिसा हुआ जो। अच्छा, पतला पतला, जीरो जीरो रोडी। जीरा रोडी। अच्छा, यहाँ पे ही तितलियाँ आती है ना? आओ मैं, हाँ मैं दिखाता हूँ अपना बटरफ्लाई गार्डन, जहाँ हमारी बटरफ्लाई बनी हुई है जिसको हमने सींचा है। ये हमने बटरफ्लाई गार्डन जो बनवाया और इसमें हमने तितली को बनवाया इस तरीके से। देखिए तितली का ये आकार है, ये हमारी जो है बटरफ्लाई बनी हुई है। अभी आप थोड़ा जूम करके देखोगे ना, अभी कैमरा इतना जूम होगा नहीं, बट थोड़ा आप दूर से खड़े होकर देखोगे ना, तो इन्होंने जो पौधे लगाए हैं, जो होस्ट प्लांट बोलते हैं, तो वो बटरफ्लाई के शेप में है। अभी आपको दिखाते हैं, दूर से आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो देखो, ये तितली के पंख है, ये तितली का एक पंख और ये दूसरा पंख, और ये जो मेन बॉडी है तितली की वो है ये मेन बॉडी है, ये उसके आईज। अच्छा, ये वो आईज, हाँ ये आईज है। अच्छा, काफ़ी सही बने, मतलब क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। अभी भाई हाँ, थोड़ा अभी और इसको अच्छी तरह से उसको वो करेंगे। यहाँ पे अभी सुन सकते हो शूट के दौरान पीकॉक जो मोर है, हाँ। उसकी हमेशा आवाज़ आती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा कंटिन्यू आती रहती है दिन के वक्त में। कभी कभी मोर भी देखने को मिलते होगी? बहुत अच्छी तरह से काफ़ी मोर मिलते हैं, मंकीज रहते हैं और वो जो खरगोश रैबिट्स रहते हैं, यहाँ पे गायें भी हैं और हमारे जो है लोमड़ी भी हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें यहाँ रहती हैं और हमें देखने को मिलती हैं डेली बेसिस पे भी। ये देखो लाइट लग चुकी है भाई, ठीक है ना, क्या ही मस्त लग रहा है। देखो हमारी लाइटें ऑलमोस्ट जल चुकी हैं, कुछ और बंदे में उन्हें भी जला रहा हूँ अभी। बहुत आनंद आता है, हाँ मतलब शाम के वक्त, हाँ, और रात के वक्त बहुत एकदम शांत वातावरण, सुकून की रास्ता। सुबह और शाम तो बहुत ही अच्छा, एकदम शांत वातावरण, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वातावरण, नो पॉल्यूशन। उधर हमारे बर्ड्स बोलते हैं शाम की मीटिंग में, चिड़ियों की चहचहाट बहुत ही सुंदर होती है जब आप वहाँ से गुजरते हो, बहुत अच्छी। पीछे जो रास्ता रहेगी, पीछे जो पौधे जो थे, और ये हमारे जो है बटरफ्लाई के लिए इधर से हम एंट्री मारते हैं, यहाँ से हम जिपलाइन करते हैं। किधर से? यहाँ से, यहाँ से हम जिपलाइन के लिए। अच्छा, मतलब जो हमने वो एडवेंचर पार्क में लिया था उधर से लेके वो ये इधर, यहाँ से जाएंगे उधर। अच्छा, हाँ जी, देखो हमारी सारी लाइटें जली हुई हैं और आप इसमें बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं विद फैन के आराम से। ओ भाई, ये सही है एकदम एस्थेटिक के 14 आप बन सकते हैं। हाँ, हाँ। पंखा भी चला देता हूँ। क्या बोल रहे थे आप? प्रत्येक शेड में फैन लगा हुआ है, आराम से हमारे गेस्ट अपना बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तो ये देखो भाई, अंधेरा हो गया अभी, हमें देखने जितना बचा भी नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ। तो ये देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया यहाँ का लाइटिंग कंडीशन इन्होंने करके रखा है, मतलब चारों तरफ जो येलो तरफ की जो लाइट लैम्प से वो उन्होंने लगाई है, तो उसकी वजह से वो ना बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। और ये तो अभी थोड़ा शाम हो गया है, और अब जब ज़्यादा रात के समय आओगे ना ऐसे 9 बजे टाइम, तो उसमें और भी ज़्यादा ये ऐसे जगमगा उठेगा। भाई अभी जा रहा हूँ मैं दोपहर का लंच करने के लिए, और एक्चुअली 2 दिन से जो खा रहा हूँ ना वो एक नॉर्मली मतलब रोटी सब्जी रहती है और दाल भात रहता है, तो ऐसा कुछ मेन्यू रहता है। आज देखते हैं कि क्या है, दिखाता हूँ आपको डिटेल से कि क्या है। तो यहाँ पे लग चुका है लंच, तो यहाँ पे देख सकते हो ये शायद से रायता है, ये देख सकते हो ये राइस है, ये देखना पड़ेगा ये कौन सी सब्जी है, राजमा है, राजमा चावल, ये पनीर की सब्जी है, ये पनीर है, और ये बेसन का गट्टा है, इधर से आओ, राइस है, राजमा है, बेसन का पनीर पसंदा है, बेसन का गट्टा है, कोला वेज कोल्हापुरी है, और रोटी नान है और प्लेन वेज कोल्हापुरी, बटर नान और बटर रोटी प्लेन रोटी। अच्छा, तो सबको लेता हूँ मैं और फिर आपको बताता हूँ खा के।
तो ये देखो प्लेट मेरी कुछ ऐसी भर चुकी है, सब कुछ लिया है ऑलमोस्ट, बस वो राजमा चावल जो है वो लिया नहीं अभी तक, तो वो लूँगा बाद में और फिर बताता हूँ। जो सुबह का नाश्ता था ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, वो एक्चुअली में बताने भूल गया, मतलब इतना बढ़िया लगा मेरे को कि मैं मस्त खा के वो वापस ही सो गया था, इतना मेरे को बढ़िया लगा वो, इतना पेट भर के खाया नाश्ता। और वाइड वैरायटी ऑफ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, जैसे पोहा था, उसके बाद ये था वड़ा था, तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे, तो मतलब एकदम सा डिसेंट सा टेस्ट था। ऊपर से आपको जितना चाहिए मतलब अनलिमिटेड यहाँ पे मिलता है, और वो भी बुफे सिस्टम में, और क्योंकि अभी हम हरियाणा में हैं तो ऐसे वो हरियाणा का फ्लेवर भी उसमें खाने में झलकता है। अभी दो दिन से मैं रह रहा हूँ तो मेरे को हरियाणा का वो जो स्वाद है वो खाने में आ रहा है, चाहे फिर वो रोटी हो या फिर वो सब्जी हो, थोड़ा वो स्पाइसीनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो फार्म अरावलिया मांगर है उसके जो सारे डिटेल्स है, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद वेबसाइट हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे, तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। बाकी अगर आपको मेरे दिल्ली के ब्लॉग्स देखने हैं, यहाँ पे दिल्ली सफारी नाम से प्लेलिस्ट आ रही होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मुंबई के ब्लॉग्स देखने हैं, मुंबई के ट्रैवल वीडियोज़ देखने हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।